इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे 10 ऐसे हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में जो कि इंडिया के मार्केट में सबसे पॉपुलर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपका सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है, तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर ऑल क्लिक कर लीजिए। नंबर 10 पे आ जाती है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। ब्रेजा के प्राइस रेंज शुरू होता है 7.84 लाख से, टॉप एंड वेरिएंट में 11.49 लाख तक पहुंच जाता है। मारुति सुजुकी में मिल जाता है मारुति सुजुकी की SHVS की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिसमें मिलता है लिथियम आयन बैटरी के साथ कनेक्टेड एक इलेक्ट्रिक मोटर। की बात करें यहाँ पे इडल स्टार्ट एंड स्टॉप, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, एक्स्ट्रा टॉर्क ये ऐड करता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बढ़िया माइलेज भी निकाल कर देती है। 19-20 KMPL का माइलेज यहाँ पे आपको मिल जाता है मारुति सुजुकी ब्रेजा में। हालांकि ये फुल हाइब्रिड नहीं है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इसको नहीं बोला जा सकता है, ये एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। मारुति सुजुकी की इंडिया के मार्केट में ज़्यादातर गाड़ियाँ माइल्ड हाइब्रिड के साथ आता है, जिसमें नंबर 9 पे आ जाती है मारुति सुजुकी की सियाज, जिसकी प्राइस रेंज शुरू होता है 8.99 लाख से, टॉप एंड वेरिएंट में 11.99 लाख तक पहुंच जाता है। यहां पर भी मिल जाता है मारुति सुजुकी की स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम SHVS टेक्नोलॉजी, जो कि आपको बेहतरीन माइलेज डिलीवर करता है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन पे। यहाँ पे आपको 21.56 KMPL का माइलेज मिल जाता है, एंड ये भी आपको मिलता है 4-speed टॉर्क कन्वर्टर में 20.28 किलोमीटर का माइलेज। नंबर 8 पे आ जाती है मारुति सुजुकी की अर्डिगा। अर्डिगा की प्राइस रेंज शुरू होता है 8.35 लाख से, टॉप एंड वेरिएंट में 12.79 लाख तक पहुंच जाता है एक शोरूम डेली प्राइस रेंज के हिसाब से। बात करें यहाँ पे सेम मारुति सुजुकी की SHVS टेक्नोलॉजी आपको मिल जाता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के में आपको 20.51 KMPL का माइलेज दे देता है मारुति सुजुकी की अर्डिगा। उसके बाद नंबर 7 पे आ जाती है मारुति सुजुकी की XL6, जो कि अर्टिगा की प्रीमियम गाड़ी है, जिसकी प्राइस रेंज शुरू हो जाता है 11.29 लाख से, टॉप एंड वेरिएंट में 14.39 लाख तक पहुंच जाता है। सेम अर्टिगा जैसे ही यहां पे SHVS माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो कि आपको 20.97 KMPL का माइलेज निकाल कर देती है मैनुअल ट्रांसमिशन पे, और ऑटोमेटिक में 20.27 KMPL का माइलेज निकाल कर दे रहती है। उसके बाद आ जाती है मारुति सुजुकी के प्रॉपर हाइब्रिड कार। जी हाँ, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। मारुति सुजुकी की ये ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी टोयोटा के साथ मिलकर डेवलप किया है। ये गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज शुरू होता है 11 लाख से। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये गाड़ी रिवील हुआ है लेकिन इसी महीने सेल शुरू हो जाएगा, प्राइस भी अभी तक रिवील नहीं है। ये एक्सपेक्टेड प्राइस है जो कि 11 लाख से शुरू हो सकता है। इस गाड़ी में आपको दो हाइब्रिड सिस्टम मिल जाता है, एक है मारुति सुजुकी की SHVS वाला माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है, जिसमें आपको 21.11 KMPL का माइलेज मिल जाएगा, जो कि काफी बेहतरीन माइलेज है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है टोयोटा सोर्स इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है टोयोटा की तरफ से। ये भी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है। कंबाइंड यहां पे आपको इलेक्ट्रिक और पेट्रोल इंजन से ये आपको बेहतरीन पावर के साथ साथ 27 किलोमीटर का माइलेज भी प्रोवाइड करता है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया माइलेज है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाती है यही गाड़ी। जी हाँ, यही गाड़ी टोयोटा भी अपने रिबैच करके अपने शोरूम्स पे भी बेचेगा, जिसके नाम है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाईराइडर। ये गाड़ी भी काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की बात करें 11.5 लाख से इसकी प्राइस रेंज शुरू हो सकता है। ये दोनों गाड़ियां टोयोटा और मारुति सुजुकी मिलकर डेवलप किए हैं। दोनों अपने अपने बैजिंग के साथ ये गाड़ी को सेल करने वाले हैं। सेम यहाँ पे दो तरह की हाइब्रिड सिस्टम मिलने वाला है, एक है मारुति सुजुकी वाला
SVS माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 21.11 kmpl का माइलेज मिल जाएगा। दूसरा है टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम, वो भी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, जिसमें आपको 27.97 kmpl का माइलेज क्लेम करता है टोयोटा, जो कि काफी बेहतरीन माइलेज है। उसके बाद आते हैं नंबर चार पे एमजी की हेक्टर। एमजी की हेक्टर की प्राइस रेंज शुरू होता है 14.14 लाख से, टॉप एंड वेरिएंट में 20.11 लाख तक पहुंच जाता है एक शोरूम दिल्ली के प्राइस रेंज के हिसाब से। ये गाड़ी में आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिल जाएगा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, एक इलेक्ट्रिक मोटर जो कि 48 वोल्ट बैटरी पैक के साथ अवेलेबल है। यहाँ पे आपको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि ब्रेक लगाते ही आपकी बैटरी को चार्ज करने लगेगा, विथ आपको एक बेहतरीन माइलेज भी दे देगा जो है 16.5 किलोमीटर टू 17.41 किलोमीटर पर लीटर का, यहाँ पे माइलेज आपको देखने को मिल जाती है। नंबर तीन पे आ जाती है वही एमजी की हेक्टर की प्लस। ये गाड़ी आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। इसकी प्राइस रेंज शुरू होता है 16.15 लाख से, टॉप एंड वेरिएंट में 20.75 लाख तक ये पहुंच जाता है। यहाँ पर भी एमजी हेक्टर जैसा माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है, जो कि 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है। 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। नंबर दो पे आ जाती है होंडा सिटी की EHEV हाइब्रिड कार, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हाइब्रिड कार के अंदर। प्राइस की बात करें, इसके प्राइस रेंज शुरू हो जाती है 19.49 लाख से, जो कि एक शोरूम दिल्ली के प्राइस रेंज के हिसाब से। होंडा सिटी EHEV में आपको सेल्फ चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि 126 PS का पावर जनरेट करता है और 26.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल कर देती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद नंबर वन पर आ जाती है एक प्रीमियम सेडान टोयोटा की तरफ से, जी हाँ, टोयोटा की कैमरी। टोयोटा की कैमरी की प्राइस रेंज शुरू होता है 44.35 लाख से, जी हाँ, काफ़ी बेहतरीन प्राइस रेंज के साथ आता है। हालांकि ये एक लग्जरी सेडान है, हालांकि ये लग्जरी सेडान होने के बावजूद एक इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस और माइलेज आपको निकाल कर दे देती है। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ अवेलेबल है, जो कि 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन पेयर्ड विथ एन इलेक्ट्रिक मोटर डिलीवरिंग कंबाइंड पावर ऑफ आउटपुट 218 PS पावर एंड 221 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसमें आपको 23 किलोमीटर का माइलेज मिल जाता है, जो कि काफी बेहतरीन है। ये थे 10 गाड़ियां जो कि हाइब्रिड सिस्टम के साथ इंडिया के मार्केट में सबसे पॉपुलर गाड़ियां हैं, और ये गाड़ियां बेहतरीन माइलेज भी देती है। आपको इनमें से कौन सा गाड़ियां सबसे बेहतरीन लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।